तो हेलो दोस्तों, एलोरा केव्स के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। ये पार्ट हमें अनूठे कैलासा मंदिर के रहस्यमय संसार में ले जाता है। यह भारत के इतिहास का एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो एक ही पत्थर से निर्मित होकर बनाया गया है और जिसकी विशालता और विविधता मन को मोह लेने वाली है। इस भाग में हम इस महान संरचना की खोज करेंगे और उसमें छिपे अनगिनत रहस्यों को खोजेंगे। तो आइए मेरे साथ इस दूसरे भाग में हम कैलासा के पूर्ण दर्शन करते हैं। चौतीस गुफाओं में से केवल 12 गुफाएं ज्यादा प्रभावशाली है और 16 नंबर की यह कैलासा इस एलोरा गुफाओं का केंद्र बिंदु है, जहां पर्यटक सबसे ज्यादा भीड़ लगाते हैं। कैलासा टेम्पल दिखने में इतना आकर्षक है कि यह सिर्फ भारत के लोगों को नहीं बल्कि दुनिया भर के सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये वास्तुकला जितनी आकर्षक लगती है उससे ज्यादा इसको बनाने में मेहनत लगी हुई है, जो कि आप देख ही सकते हैं। इस मंदिर को कब बनाया गया इसका उल्लेख कहीं नहीं है। मंदिर के पत्थरों की कार्बन डेटिंग से उसे कई सदियों साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पकारों ने एक विशालकाय शिला को ऊपर से तराशना शुरू किया था। आमतौर पर पत्थरों को सामने से तराशा जाता है, लेकिन इस मंदिर के लिए वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया। भारत में शिल्पकारों की कोई कमी नहीं थी। प्राचीन काल के शिल्पकार बहुत उच्च कोटि से कमाया करते थे और मंदिरों का निर्माण करते थे। ऐसे ही खूबसूरत मंदिर पूरे भारत भर में फैले हुए हैं। आइए तो आगे हम ऊपर का नजारा देखते हैं। मंदिर के निर्माण के दौरान लगभग 40,000 टन वजनी पत्थरों को पहाड़ी से और उसके चट्टानों से हटाया गया। पहाड़ को बाहर और अंदर से काटकर 90 फुट ऊंचे मंदिर का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण करने के लिए लगभग 40,000 टन वजनी पत्थरों को चट्टान से काटा गया था। कैलाश मंदिर का निर्माण और उसकी सही डेट आज भी कोई नहीं जानता। बताया जाता है कि कैलाश मंदिर को बनवाने में करीब 7,000 या उससे ज्यादा मजदूर लगे थे। मंदिर के इस खुले मंडप में नंदी स्थित है, जो कि हर शिव मंदिर में दिखाई देते हैं। कैलाश मंदिर दो मंजिला इमारत है, जो पूरे दुनिया में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी वास्तु है। बताया जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में कई पीढ़ियों का योगदान रहा है और ये काफी खूबसूरत लगता है, खास करके यहाँ ऊपर से। आप देख ही सकते हैं कि ये स्तंभ और ये पहाड़ और ये चट्टाने और उस चट्टानों में ये खूबसूरत मंदिर बहुत ही मन मोह लेता है। भी अंदर की ओर जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। आजू बाजू का नजारा काफी हद तक बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्तंभ आप देख सकते हो, जिस पे बहुत ही प्यारी नक्काशी है। मंदिर में काफी ज्यादा ठंड है,
ठंडा माहौल और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको यहाँ पे अंदर मिलेगी, और एक प्रकार से आप में एक अलग ऊर्जा आप फील कर सकते हो। तो चलिए अंदर, अंदर का एक नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। भीड़ काफ़ी होती है लेकिन दर्शन आपको बहुत ही आसानी से और आराम से मिल जाएंगे। तो फाइनली ये हमारा शिवलिंग कैलासा मंदिर का काफ़ी बड़ा शिवलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। इस मंदिर में शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती, फिर भी काफ़ी सारे भक्त यहाँ आके फूल और जल दोनों चढ़ाते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे प्राचीन प्रतीक है, जहां आप निराकार से आकार की ओर बढ़ते हैं। यह ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ सिर्फ शिव का होना ही नहीं, मूक रूप से प्रकट होने वाली इस सदा गतिमान रहने वाली उस परम चेतना का भी प्रतीक है। मंदिर के बाहर इस झरोके से मंदिर के बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आए। ज़्यादा सुकून मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे आके। हर किसी ने यहाँ पे आके विजिट करके जाना ही चाहिए। कैलासा के दर्शन पूरे, हर हर महादेव। अभी आगे की ओर बढ़ते हैं और बाकी के केव्स में जाके उसका मुआयना करते हैं। ओह माय गॉड, ये तो देखा ही नहीं था मैंने। पूरा मंदिर घूमने के बावजूद भी मेरा मन भरा नहीं, और मैं फिर से हर शिल्प को बहुत नज़दीक से और गौर से देखने के लिए रुक गया, क्योंकि इस मंदिर की प्रतिभा है ही ऐसी जो हम पर इतना प्रभाव डालती है। हाँ, फाइनली कैलासा दर्शन हो चुके हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा फील किया मैंने पूरे वास्तुशिल्प को। एक बार दिखाना चाहता हूँ मैं, ये हमारा कैलासा टेंपल। तो 1 से 15 केव्स यहाँ पड़ेंगी इस बाजू, तो मैं पहले यहाँ जाऊँगा, यहाँ के जितने भी मेन मेन गुफाएं वो देखूँगा। तो ये गुफा काफ़ी खूबसूरत है, बाहर से ही पता चलता है इसकी खूबसूरती के बारे में। अंदर जाने के बाद में यहाँ पे आपको मिलेगी बहुत सारी ढेर सारी मूर्तियाँ,
जो कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे उकेरी गई है, और काफ़ी सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये वराह अवतार और इसी प्रकार कई और बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। और मेरा घूमने का मकसद यहाँ पे कैलासा टेम्पल था, और ये गुफाएं मैं थोड़ी सी घूम लूँगा, और अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि इनका पूरा डिटेल वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स के साथ में इनको बताना बहुत ज़रूरी है, और मेरे पास उतना टाइम था नहीं कि मैं ये सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँ। अगली बार मैं लाऊँगा आपको ये सारी जो जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबके बारे में मैं पूरा डिटेल वीडियो में बनाऊँगा। दोस्तों ये है गुफा नंबर 10, और ये समर्पित है भगवान गौतम बुद्ध को। आप देख ही सकते हैं बहुत खूबसूरत गुफा। ये है स्तूप और भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति, जिनके दोनों साइड में आपको दो बोधिसत्व दिखेंगे। यहाँ पे 30 स्तंभ हैं, और उसके ऊपर ये प्यारी सी नक्काशियाँ, ये प्यारी सी छोटी मूर्तियाँ बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। आगे इसी तरह से सारी की सारी केव्स काफी सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लगती है। एलोरा की मूर्ति कला तंत्र खूबसूरत और अनुपम है। गुप्त काल के बाद इतना भव्य और आलीशान निर्माण और किसी काल में नहीं हुआ। इन गुफाओं का सीधा संबंध बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से है, इसीलिए भक्तों की भीड़ यहाँ लगी रहती है। भारत में नहीं, विदेशों में भी एलोरा की गुफाएं अपनी खूबसूरती और भव्यता की छाप छोड़ती है। देश विदेश के पर्यटकों का आवागमन यहाँ बना रहता है। यह गुफाएं अत्यधिक खूबसूरत और आकर्षण कौशल से परिपूर्ण है। देखने वाले पर्यटक आश्चर्यचकित हो उठते हैं। पूरा क्षेत्र बहुत ही शांतिप्रिय वातावरण से परिपूर्ण है। इसी तरह से ख़त्म होता है मेरा एलोरा का सफ़र। तो निकलते हैं यहाँ से और होते हैं रवाना पुणे के लिए। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया दिन गया मेरा यहाँ, और अभी हुए हैं शाम के 5, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने। काफ़ी देर चलने के बाद में जो एक्सर्शन होता है उसका इलाज है ये शुगर केन जूस। कहीं पर भी मिले सबसे पहले यही पीना। तो इस प्रकार होती है अपनी घर वापसी। तो चलते हैं अपने पुणे की ओर, निकल पड़े हैं एलोरा केव से पुणे की तरफ, और दिखाते हैं आपको ये खूबसूरत सफर। कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए हैं, मेरे फेवरेट है, आपको भी अच्छे लगेंगे। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मेरा अब तक। बहुत ही ज्यादा मजा आया एलोरा केव्स घूमने, सारी चीजें देखने। मेरा मन तो नहीं कर रहा था वहां से निकलने का, लेकिन क्या करें, ऑफिस भी है, काम भी करना है और पेट भी पालना है, तो यहां से निकलना पड़ रहा है मुझे। जाते जाते कुछ नजारे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग रुके हैं, एक कुछ पॉइंट लग रहा है, ये दौलताबाद के काफी करीब है ये जगह। ये तालाब और लेक जैसा कुछ दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, और मेरा भी दिल यहाँ मुझे लेके आया। तो थोड़े से नज़ारे एंजॉय करते हैं और इस खूबसूरती का आनंद लेते हैं।
सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह, काफ़ी सुकून मिला यहाँ पे। और ऐसी बहुत सारी जगह यहाँ पर है जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा देखने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि ये आगाज़ है मेरा, तो इससे और भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट मैं लेके आने वाला हूँ, और भी वीडियोज़ आएंगे, और भी नज़ारे ऐसे देखने मिलेंगे, और भी खूबसूरत चीज़ें आपके सामने मैं लाने का ट्राई करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।